जय हिंद। राम राम। ORP 3 के ऊपर बड़ी खबर सुबह सुबह निकल कर के आ चुकी है आप सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 110% यहाँ पर ORP 3 की खबर लेकर के आए हूँ। जितने ही भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर 15 अगस्त के बाद इंतजार कर रहे थे कि कब होगा टेबल जारी, कब उन्हें मिलेगा ORP का किस्त, कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर जारी की गई है, रैंक वाइज, सर्विस वाइज, कितना सर्विस है, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना आपका यहाँ पर पैसा बनेगा, सब कुछ मैं एक एक करके आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक काफ़ी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, तो ये सब कुछ मैं बताऊँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक छोटी घंटी है, इन दोनों को आज ही दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ORP एरियर वेलफेयर की तमाम न्यूज़ बिल्कुल सही सटीक मिलते रहे। चलिए सबसे पहले एक बड़ी न्यूज़ मैं आपको ये दे दूँ कि यहाँ पर जो है एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भूतपूर्व सैनिक जितने भी रिटायर्ड फौजी भाई उनके लिए भी, कि आपका जो DA DAR की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर इसका डेटा जारी हुआ है 50% से बढ़ करके यहाँ पर 53% होने वाली है। और कितना आपको जो है डिफरेंस मिलेगा DA में, एरियर कितना बनेगा, कितने बेसिक पे कितना बन रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पर टेबल जारी किया गया है। तो 50 के जगह 53% अब DA होने वाला, तो एक बड़ी खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर चाहे पेंशनर्स हो चाहे यहाँ पर सर्विंग हो। तो ये तो रही हमारे DA की बात, लेकिन इसी बीच वन रैंक वन पेंशन का सबसे महत्वपूर्ण टेबल जारी किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव था और 31 जुलाई तक लोग इंतज़ार कर रहे थे, फिर भी कोई टेबल तो नहीं आया। उसके बाद 15 अगस्त तक बोला जा रहा था कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट इसी बीच एक टेबल जो है यहाँ पर आया है, जो कि ORP 3 का बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ORP 3 में मिनिमम जो यहाँ पर मैक्सिमम के बेसिस पे 2023 का जो यहाँ पर बेस लिया गया उसके आधार पर सिपाही से लेकर के नायक हवलदार का कितना बनेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।